नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत। आप देख रहे हैं सेहत ललन टॉप का हेल्थ शो, जहां बात होती है हमारी और आपकी हेल्थ की। पहला सेगमेंट है हालचाल। आज बात करेंगे घुटनों के ऑपरेशन के बारे में, जिसे नी रिप्लेसमेंट सर्जरी भी कहते हैं। दूसरा सेगमेंट है तन की बात। क्या वाकई मैथ्स और साइंस जैसे सब्जेक्ट्स में पुरुष महिलाओं से बेहतर होते हैं? और तीसरा सेगमेंट है खुराक, यानी एक झकास सी हेल्थ टिप, जैसे अगर हेयर लॉस हो रहा है तो अपनी डाइट में शुगर कम लें। अंकिता भोपाल की रहने वाली हैं। उनकी मम्मी की उम्र 55 साल है। ऑस्टियोआर्थराइटिस की शिकायत है। उनके घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, वो चल नहीं पाती हैं, बैठे बैठे भी दर्द होता है। डॉक्टर्स ने उन्हें नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करवाने की सलाह दी है, यानी घुटनों की सर्जरी, ताकि वो दोबारा पहले की तरह काम कर सकें। अब अंकिता चाहती हैं कि हम नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बारे में सही जानकारी उन तक पहुँचाएँ। ये क्या होती है, कैसे होती है, कितना खर्च आएगा वगैरह। तो हमने बात की एक नी रिप्लेसमेंट सर्जन से। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की ज़रूरत क्यों पड़ती है और किसे पड़ती है। जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी करने का मेन इंडिकेशन होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस, यानी कि जोड़ों का खिसारा। 55 साल से उम्र वाले लोगों में ऑस्टियोआर्थराइटिस शुरू होता है। कुछ लोगों में ऑस्टियोआर्थराइटिस अर्ली एज में स्टार्ट होता है, जैसे कि कोई पेशेंट ओबेज हो। दूसरा कि फीमेल में कंपेरेटिव मेल ऑस्टियोआर्थराइटिस अर्ली एज में होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस वाले मरीज में ज़्यादातर चलने के टाइम बहुत ही दर्द होता है। चलने के टाइम उनको वॉकर या स्टिक का इस्तेमाल करना पड़ता है। वो पलांती मार के बैठ नहीं सकते, या तो इंडियन स्टाइल टॉयलेट यूज नहीं कर सकते। तो ऐसे लोगों को लाइफ टाइम पेन सहन करने से अच्छा है जॉइंट रिप्लेसमेंट करना। ऑस्टियोआर्थराइटिस में ये दोनों हड्डी यहाँ पे घिस जाती है, तो हम उसको वेरी प्रिसाइजली इंस्ट्रूमेंट्स के साथ इसको अच्छे से कट करते हैं दोनों सरफेस को। फिर यहाँ पे सीमेंट लगा के ये जो जॉइंट रिप्लेसमेंट में यूज होता है वो मटेरियल को यहाँ पे, और दूसरा यहाँ पे लगा। फिर ये जो घुटने का जोड़ है वो इजीली फ्रीली मूवेबल हो जाता है, यानी कि दोनों सरफेस जो है वो आपस में फ्रीली मोबाइल रहती है। तकरीबन ये सर्जरी करने में 1 से 1.5 घंटा लगता है। ऑपरेशन के 3 से 4 दिन तक मरीज को अस्पताल में रखते हैं, 4 दिन के बाद उनको डिस्चार्ज कर देते हैं, और 1 महीने तक उनको वॉकिंग एड साथ में रखना होता है, बाद में वो फ्रीली विदाउट वॉकर चल सकते हैं। नी रिप्लेसमेंट सर्जरी कैसे की जाती है ये डॉक्टर साहब ने आपको समझा दिया है। अब जान लेते हैं कि इसके फायदे क्या हैं, साथ ही सर्जरी करवाने के बाद डॉक्टर्स पेशेंट्स को क्या सलाह देते हैं, और हाँ, इसमें लगभग कितना खर्चा आ जाता है। दर्दी को ऑपरेशन के बाद कोई दर्द नहीं रहता, ज्यादातर पेन किलर्स नहीं खानी पड़ती, जिसकी वजह से उनकी किडनी और लीवर पे नुकसान नहीं होता। दूसरा, उनको किसी के असिस्टेंस की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद ही अपना काम खुद कर सकते हैं और पेन फ्री लाइफ जी सकते हैं। पलाती मार के नहीं बैठना है और इंडियन स्टाइल टॉयलेट में नहीं बैठना। ऐसा करने से जो हमने जॉइंट डाला होता है उसका वेयर एंड टेयर वो भी घिसना शुरू हो जाता है। नॉर्मल जॉइंट की आयुष्य 20 से 25 साल तक होती है। ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती है कि वो कितना अच्छे से संभाल के चलते हैं। दूसरा, ऑपरेशन के बाद प्रॉपर फिजियोथेरेपी होनी चाहिए, जिसकी वजह से उनके जो जोड़ों के मसल्स होते हैं उसमें अच्छा सा पावर आ जाए और वो अच्छे से काम करने में मदद रूप बने। घुटना बदलने की ऑपरेशन जो है उसका खर्च उसके जॉइंट के ऊपर डिपेंड है। आप कौन सी कंपनी का जॉइंट डालते हो उसके ऊपर डिपेंड है, वो जॉइंट टू जॉइंट वेरिएशन होता है। ऑन एन एवरेज 1,20,000 से लेके 2,00,000 तक का खर्चा होता है। और अभी हाल ही में अपने सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो आयुष्मान भारत कार्ड दिए गए हैं,
उसके अंतर्गत ये जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी बिल्कुल ही मुफ्त है। आपने जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी से जुड़ी सारी अहम जानकारी सुन ली है, पर इसे करवाने के बाद डॉक्टर्स कुछ एक्सरसाइज करने की सलाह भी देते हैं जो फिजियोथेरेपिस्ट की निगरानी में की जाती है, ताकि जो घुटने हैं वो पहले की तरह काम करना शुरू कर दें। अब कौन सी हैं वो एक्सरसाइजेस, जानिए एक फिजियोथेरेपिस्ट से। एंकल को अफेक्टेड लेग जो है आपका, एंकल को अपनी तरफ खींचना है, पंजे को अपनी तरफ खींचे, 5 सेकंड तक खींचने के बाद उसे रिलैक्स करें। सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि आपका पैर जो है वो पूरी तरीके से सीधा होना चाहिए, घुटना कहीं से मुड़ा नहीं होना चाहिए। और इस एक्सरसाइज को दिन में कम से कम 7 से 8 बार जरूरी करें। पंजा वापस कीजिए, 5 सेकंड तक होल्ड करने के बाद वापस रिलैक्स कर दें। इस एक्सरसाइज को जल्दी जल्दी भी किया जा सकता है। इस एक्सरसाइज को करने के फायदे ये हैं कि जो काफ मसल्स हैं, जो पैर के पीछे की जो मांसपेशियां हैं, इन पे लगातार मसल कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से खून का जो प्रेशर है वो अच्छा बना रहेगा और पैर में रिकवरी अच्छे से होगी। दूसरी एक्सरसाइज के लिए आपको एक टॉवल रोल की जरूरत है। इस तरीके के अफेक्टेड लेग को उठाएं और टॉवल रोल को इस तरीके से उस पैर के नीचे रख दें। गौर करने वाली बात यह है कि कूल्हे ना तो यहाँ से कूल्हा उठा हुआ होना चाहिए ना ही घुटना उठा हुआ होना चाहिए। आप पंजे को अपनी तरफ खींचें और अपने घुटने से इस टॉवल रोल को नीचे दबाएं। जब आप इसको दबाएंगे तो आपको मांसपेशियों का तनाव यहाँ पे महसूस होगा। 5 सेकंड के बाद इसे रिलैक्स करें। दोबारा इस एक्सरसाइज को करें। पंजे को अपनी तरफ खींचते हुए टॉवल रोल को नीचे दबाना है। 5 सेकंड के लिए इसको ऐसे ही होल्ड करके रखना है और उसके बाद रिलैक्स कर देना है। इस एक्सरसाइज को कम से कम 10 बार करना है। अपने एक पैर को मोड़ के रखें, इस तरह से बिस्तर पे या टेबल पे जमा के। इसका उद्देश्य ये है कि आपका कूल्हा जो है वो आपके ज्वाइंट को स्टेबलाइज करे। दूसरे पैर को आपको उठाना है जो कि आपका अफेक्टेड लेग है। इसके लिए सबसे पहले पंजे को अपनी तरफ खींचें और उसके बाद उसे धीरे धीरे आप हवा में उठाएं। आप इसे 30 से 40 डिग्री तक हवा में उठा सकते हैं। उसको रोकें, 30 तक की गिनती अपने मन में गिनें और उसके बाद उसे वापस धीरे धीरे बेड पे रख के रिलैक्स करें। करवट लेके लेते आपका जो अफेक्टेड लेग है वो ऊपर की तरफ होना चाहिए। ध्यान देने वाली बात ये है कि कूल्हा, घुटना और एड़ी एक से ढाई में हो। पैर को धीरे धीरे ऊपर उठाएं और इस तरीके से हवा में रोक के रखें 30 तक की गिनती के लिए और उसके बाद पैर को धीरे धीरे नीचे ले के आए। इस एक्सरसाइज को भी 5 बार करना है। चलिए, उम्मीद है सारी जानकारी और एक्सरसाइजेस आपके काम जरूर आएगी। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। आपने अक्सर लोगों को ऐसा बोलते हुए सुना होगा कि पुरुष जो होते हैं वो मैथ्स और साइंस में महिलाओं के मुकाबले ज्यादा अच्छे होते हैं। उनका दिमाग ऐसा बना होता है कि वो इंजीनियरिंग जैसे कोर्सेज जो होते हैं, जो सब्जेक्ट्स होते हैं, उसमें वो औरतों से बेहतर होते हैं। औरतें मैथ्स में कमज़ोर होती हैं और उनका जो दिमाग है वो आर्ट से जुड़े सब्जेक्ट्स ज़्यादा अच्छे से समझता है। तो क्या ये सब सच है? जवाब है नहीं। कुदरत ने कम से कम आदमी और औरत के दिमाग को लेकर कोई भी भेदभाव नहीं किया है। आदमी और औरत के दिमाग की जो मेकिंग है उसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। देखिए, ब्रेन का एक हिस्सा होता है जिसे हम कहते हैं हिप्पोकैम्पस। इसका काम होता है नई चीज़ों को सीखना और याद करना। पुरुषों के मुकाबले औरतों के ब्रेन में हिप्पोकैम्पस ज़्यादा बड़ा होता है, ये हिस्सा ज़्यादा बड़ा होता है। वही ब्रेन का एक दूसरा हिस्सा होता है जिसे हम कहते हैं अमिग्डाला। पुरुषों में ये ज़्यादा बड़ा होता है। अब इसका एक बड़ा काम होता है इमोशनल मेमोरीज को प्रोसेस करना, इमोशन से जुड़ा होता है ये। तो ये मानना कि औरतें केवल इमोशन और आर्ट्स में अच्छी होती हैं आदमी नंबर्स में, ये सरासर गलत है। जो भी रिसर्च अभी तक इस मुद्दे पर हुई है, जो भी बातें सामने आई हैं, उससे तो यही पता चला है कि दोनों जेंडर्स को लेकर जो भी धारणा हमारे समाज में है वो कल्चर के कारण है। इसका साइंस से कोई भी लेना देना नहीं है, समझे?
अब बारी है सेहत के अगले सेगमेंट की, खुराक, एक झकास सी हेल्थ टिप। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो अपनी डाइट में शुगर की मात्रा कम कर दें, मीठा खाना कम कर दें। क्यों? देखिए, प्रोटीन आपके बालों की हेल्थ के लिए बेहद ज़रूरी होता है, पर शुगर आपके शरीर को प्रोटीन अब्सॉर्ब करने से रोकता है, इसलिए आपके शरीर को पर्याप्त प्रोटीन नहीं मिल पाता। इसलिए एडेड शुगर जो कोल्ड ड्रिंक, डोनट, मिठाई वगैरह में डलती है, उससे दूर रहें। आज सेहत पे इतना ही। अच्छा, अगर आप एक डॉक्टर और हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। कैमरे के पीछे हमारे साथ है जेरी। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। शुक्रिया।